वेलकम टू ट्रू शेयर बाजार दोस्तों। फिर से एक धमाकेदार स्टॉक के साथ एक धमाकेदार वीडियो दोस्तों। जिसने भी ये वीडियो को देख लिया पूरा, मैं बता रहा हूँ वो 100% एक सही डिसीजन ले पाएगा कि कंपनी के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, या फिर इसके अंदर पहले से उसके पास होल्डिंग होगी तो उसे कंटिन्यू करना है या सेल कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, फिर इसके बिजनेस के बारे में जान लेंगे अच्छे से, फिर इसके शेयर प्राइस के जो टारगेट्स हैं उनको देखेंगे, और फिर बात करेंगे कि स्टॉक के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ हमें लास्ट के 1 ईयर का सेल्स और प्रॉफिट देखना चाहिए। इससे हमें यह अनुमान लगता है कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से काम करेगी, यानी प्रेजेंट में जो काम कर रही है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने सितंबर 2021 में 18 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि हर एक क्वार्टर में बढ़ते हुए 47 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी कंटिन्यूसली 6 क्वार्टर से सेल्स बहुत अच्छे से कर रही है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले 1 करोड़ के प्रॉफिट थे, फिर 2 करोड़ हुआ, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 11 करोड़। यानी कंपनी जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर हर बार सेल्स और प्रॉफिट में जंप लेकर के आ रही है, और ऐसा अगर कंपनी कंटिन्यूसली कर दी जाएगी तो इसका शेयर प्राइस बहुत अच्छा मल्टीबेकर रिटर्न बना के दे सकता है। और मैं ऐसे ही स्टॉक को लेकर के आता हूँ, मैं ऐसे स्टॉक लेकर के नहीं आता हूँ जो उनका सेल्स जो है गिर रहा है, प्रॉफिट गिर रहे हैं, फ्यूचर में काम नहीं कर पाती है। मेरा ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि कंपनी जो फ्यूचर में अच्छा कर पाए ऐसे स्टॉक को लेकर के आऊँ। तो अब बात करेंगे इसके हर एक साल के रिजल्ट की। तो आप देख सकते हैं 4 सालों का रिजल्ट है, मार्च 2020 में 19 करोड़ का सेल्स था, और जो ये सेल्स है ये बढ़ते हुए आप देख सकते हैं 31 करोड़, फिर 97 और अब 166 करोड़ हो चुका है। यानी कंटिन्यूसली कंपनी ने क्वार्टर बाय क्वार्टर जिस तरीके से परफॉर्म किया है उससे अच्छा ईयर बाई ईयर इन्होंने जो है काम किया। आप देख सकते हैं 19 करोड़ से 166 करोड़ की जंप, यानी हर साल कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ाया है। और प्रॉफिट देखेंगे तो 1 करोड़ के, फिर 2 करोड़ के, फिर 7 और अब 28 करोड़ के प्रॉफिट हो चुके हैं। यानी पहले जो 19 करोड़ का सेल्स था 4 साल पहले, उससे ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी में नो डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं है, कंपनी सेल्स को भी बढ़ा रही है, कंपनी प्रॉफिट को भी बढ़ा रही है। यानी ये कंपनी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपको फ्यूचर में अच्छा पैसा बना के दे सकती है। कोई भी कंपनी का पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो यहीं से लिखा जाता है। अगर कंपनी सेल्स और प्रॉफिट अच्छे से कर रही है तभी वो अच्छा आपको डेटा प्रेजेंट कर पाएगी। बहुत सारे लोग देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई, पी रेशियो, ये जितने भी डेटा है सब इसी से बनते हैं भाई। अगर आप लोग इस डेटा को नहीं देखेंगे, सेल्स और प्रॉफिट को, उसको देख करके चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप सही से एनालिसिस करते हैं। अब हम लॉन्ग हिस्ट्री चेक करेंगे। आप देख सकते हैं 2011 में कंपनी 0 करोड़ का सेल्स करती थी, यानी सेल्स कुछ नहीं था, फिर 166 करोड़ इनका टोटल अभी तक सेल्स हो चुका है। यानी 11 साल का जो इनका रिकॉर्ड है, इन 11 सालों में इनका 166 गुना सेल्स बढ़ा है। वही प्रॉफिट देखेंगे तो पहले 0 करोड़ के थे, अब 28 करोड़ के प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 28 करोड़ को अचीव कर चुके हैं, यानी 28 गुना इनके प्रॉफिट भी बढ़े हैं। कर्जे की बात करेंगे तो पहले 0 करोड़ का कर्जा था, फिर ये बढ़कर 2021 में 21 करोड़ हुआ, लेकिन इन्होंने अपने कर्जे के दबाव को फिर से कम किया है और अब 8 करोड़ के इनके ऊपर कर्ज बना हुआ है, यानी कंपनी ने कर्जे को कम किया है। कंपनी के पास पहले 0 करोड़ के रिजर्व थे, अब 44 करोड़ के रिजर्व है, यानी इनका जो 8 करोड़ का कर्जा है उससे ज़्यादा इनके पास रिजर्व है। तो आप टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाइए कि कंपनी जो है कर्ज मुक्त है, क्योंकि 8 करोड़ का कर्जा दे भी देंगे फिर भी इनके पास लगभग 36 करोड़ के रिजर्व बचेंगे, यानी कंपनी कर्ज मुक्त है। 44 गुना इनका रिजर्व भी बढ़ा है। टोटल एसेट्स पहले 0 करोड़ के थे, अब 115 करोड़ के टोटल एसेट्स हो चुके हैं। यानी कंपनी को आप किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से देखेंगे तो कंपनी फंडामेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी और बिजनेस से भी। अभी और आगे बात करते हैं, कंपनी के पास कच्चा माल यानी इन्वेंट्री 22.9 यानी 23 करोड़ का कच्चा माल रखा हुआ है, और कर्जा कितना मात्र 8 करोड़ का। तो हर एक तरीके से कंपनी कर्ज मुक्त है। इसके बाद बात करेंगे बुक वैल्यू की। तो आप देख सकते हैं लगभग 16 रुपये का बुक वैल्यू है, और स्टॉक 19 से 20 रुपये के आसपास आज की डेट में ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक आपको बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है इस तरीके से जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है तो ऐसे स्टॉक अपने बुक वैल्यू से लगभग 5 या 10 गुना ज़्यादा लेवल पर मिलने चाहिए। यानी अगर ये 15 रुपये का बुक वैल्यू है तो लगभग 80 या 100 रुपये में मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेल्स और प्रॉफिट कर रही है। अब बात करेंगे कंपनी की आरओसी, तो लगभग 18% की आरओसी है, लगभग 18% ही आरओई है।
प्रॉफिट ग्रोथ 680% के आसपास है और सेल्स ग्रोथ 139% के आसपास, यानी माइंड ब्लोइंग एक्सीलेंट इनका फंडामेंटल भी है। प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 36.66% की प्रोमोटर होल्डिंग है, FIS के पास 0.04% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास लगभग 63% की हिस्सेदारी है। बस यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ नेगेटिव है, वो है प्रोमोटर होल्डिंग, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है, 36% के आसपास कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग है। अब बात करेंगे कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों कंपनी डेबॉक जो इंडस्ट्रीज है, ये डेबॉक ग्रुप की कंपनी है जो कि 2007 में स्टार्ट हुई। कंपनी बनाती है यानी मैन्युफैक्चर करती है क्या क्या, तो एग्रीकल्चर मशीनरीज, मैं इसे आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ले जा करके फोटो वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि कंपनी क्या क्या बनाती है, आप फोटो से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कंपनी एग्रीकल्चर मशीनरीज बनाती है, सीड्स यानी जो खेती के लिए जो बीज वगैरह केमिकल्स होती है वो कंपनी बनाती है, मार्बल्स बनाती है, जो फर्सी वगैरह होती है वो बनाती है, और कंपनी अभी काम कर रही है रियल इस्टेट के अंदर, इनकी होटल्स भी है तो होटल का बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, सेल्स और मार्केटिंग करती है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में भी कंपनी काम कर रही है। अब इनका नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो है एजुकेशन के अंदर एंट्री करना, तो इन्होंने प्लानिंग फाइनली कर लिया है और ये चाकसू यानी जयपुर नेशनल हाईवे 12 के अंदर, ये जो कोटा नेशनल हाईवे है यहाँ पर इन्होंने ज़मीन ले ली है और यहाँ पर ये अपना एजुकेशन सेंटर खोलने वाले हैं, चाहे वो कॉलेज हो या जो भी है, कंपनी वहाँ पर अपना कॉलेज ओपन करने वाली है, यानी कंपनी नए नए बिजनेस में भी एंट्री करती जा रही है। अब मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर लेकर चलूंगा, इसके बाद मैं इसके शेयर प्राइस के टारगेट्स को भी आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है debogroup.com, आप भी इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर थ्रेसर मशीन वगैरह है जो कि खेती के लिए काम में आती है, ये कंपनी इक्विपमेंट बनाती है, इन मशीनरीज को कंपनी बनाती है, आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे फोटोज वगैरह में, ये इस टाइप की मशीनरीज बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप की बनाते हैं, इसके अलावा और भी है, आप देख सकते हैं ये इक्विपमेंट बनाते हैं, ये ट्रैक्टर के ऊपर लगाते हैं, ये भी बनाते हैं और ये भी बनाते हैं, ये सब खेती में ही काम आती है। इसके अलावा इनकी होटल है डबोक के नाम से, आप देख सकते हैं ये फोटोज के अंदर ये इनके दो होटल्स हैं और काफ़ी लग्जरी होटल्स हैं, आप अंदर से देखेंगे ये इस टाइप की होटल्स हैं, यानी लग्जरी होटल है तो काफ़ी अच्छा पैसा भी लेते होंगे, तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। आप देख सकते हैं कितनी लग्जरी होटल है, सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, इनके रूम्स भी बहुत अच्छे हैं, आपको रूम्स भी दिखाऊंगा मैं, ये देखो आप ये टी टेबल वगैरह जहाँ खाना वगैरह खाते हैं ये, इसके अलावा ये देखें आप ये बेडरूम है, बेडरूम भी कितना लग्जरी है, तो काफ़ी अच्छी होटल्स है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है, ऐसी रूम्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा इनकी माइंस है यानी खदान, अब खदान के फोटो दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये खदान है जो कि पत्थर की यानी मार्बल की है, यहाँ से मार्बल कटिंग करके कंपनी अपनी फैक्ट्री में ले जाती है और वहाँ से प्रोसेस करके वो जो है मार्बल्स को फिर बेचते हैं, आप देख सकते हैं इस टाइप से कटिंग होती है। ये मशीनरीज है, ये आपको व्हील दिखाई दे रहा है, इस टाइप से कटिंग होती है इनकी पत्थरों की इनकी फैक्ट्री के अंदर, ये देख सकते हैं आप पिक्चर्स को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। इसके अलावा फैक्ट्री एग्रीकल्चर डिवीजन में बिजनेस करती है जहाँ सीड्स यानी बीज वगैरह बनाती है, तो आप देख सकते हैं इनकी ये फैक्ट्री है, इसके अंदर कंपनी जो है इस टाइप से काम करती है, ये जो मैंने आपको बताया था इक्विपमेंट बनाती है मशीनरीज वो इस टाइप से बनाती है, इनका ये वर्कशॉप है बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा वर्कशॉप है। इसके अलावा देखेंगे आप ये बीज वगैरह बनाती है, एटा ब्रॉन वर्टिसिल डेबॉक बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके, आप देख सकते हैं ये ट्राईगार्ड, ये सारे के जो किसान लोग हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ये खेती के लिए काम आते हैं, ये सीड्स वगैरह बीज वगैरह है, ये गाजर के बीज वगैरह है, धनिया है, इसके अलावा और भी बिजनेस है इनके। अब मैं आपको कंपनी के टारगेट्स को दिखा देता हूँ, जो शेयर प्राइस के फ्यूचर टारगेट्स हैं, आप देख सकते हैं इनके जो टारगेट्स हैं, खबत्ता सिक्योरिटीज ये भी एक सिक्योरिटी कंपनी है, इन्होंने इनसे 2022 के अंदर टारगेट दिया था जो कि 65 रुपये का था, उसके बाद भी कंपनी के शेयर में आप देख सकते हैं इनका जो सेल्स और प्रॉफिट है उसमें कोई गिरावट नहीं है, तब इन्होंने ये टारगेट दिया था, अब तो इनका जो सेल्स और प्रॉफिट है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अभी इनके टारगेट और भी अच्छे होने चाहिए। ये मनी कंट्रोल से मैंने निकाला है, यानी गूगल पर आप सर्च कीजिएगा तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ये मिल जाएगा आपको, पूरा इसका आर्टिकल है वो मिल जाएगा। तो 65 रुपीज़ का इनका ये टारगेट्स है, आप देख सकते हैं कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की, तो कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट है, इन्होंने इनके जो कर्ज है उसको कम किया है, यानी कर्ज जो है बिल्कुल आप समझ सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कर्ज मुक्त है। इसका जो शेयर प्राइस है वो अपना बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है।
कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी, जो कि अभी कर ही रही है। इसके अलावा कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर रही है, लगभग 5 ईयर्स है यानी 5 साल से, जो कि 67.5% की CAGR से कर रही है। अब जो नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ मुझे एक ही दिखाई दिया, वो है प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लो है, लगभग 36.6% के आसपास की इनकी हिस्सेदारी है। अब बात कर लेंगे दोस्तों कंपनी के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, आपने जो अगर ये जो मेरा वीडियो है प्रेजेंटेशन पूरा अगर देखा है बिना स्किप किए, तो आप खुद डिसीजन ले लेंगे, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे कि सर आप क्या करना चाहोगे इस स्टॉक के अंदर, तो दोस्तों अभी जो शेयर प्राइस में मिल रहा है यानी 20 रुपये के आसपास, तो 19 से 20 रुपये में मैं बिल्कुल फ्रेश बाइंग करना पसंद करूँगा। और अगर मेरे पास पहले से स्टॉक होल्डिंग में होंगे तो मैं और भी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया है। हमारे इस वीडियो को देख करके आप एक्साइटेड ना हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, खुद की एनालिसिस करें और खुद के डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।